प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सभी बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और वो गीत है एक आदमी की 100 भेड़े थी। एक आदमी की 100 भेड़े थी, एक खो गई मैदान में रह गई। एक आदमी की 100 भेड़े थी, एक खो गई मैदान में रह गई। आदमी की 100 भेड़े थी और वह सभी भेड़ों से प्रेम करता था और सभी को हरी हरी चराइयों में चराया करता था। प्रतिदिन चरवाहा अपनी भेड़ों को गिन गिन कर भेड़शाला में लाया करता था, परंतु एक दिन प्रतिदिन की तरह वह अपने भेड़ों की गिनती कर रहा था, पर उसमें उसने एक भेड़ कम पाया और उसने शाम तक उसका इंतज़ार किया। उसके ना आने से वह परेशान हो गया और उधर भेड़ अकेला होकर डरने और घबराने लगा। तब वह उसकी खोज में निकला और उसे पहाड़ों में घाटियों में अपने 99 भेड़ों को छोड़कर ढूंढने लगा और भेड़ अपने चरवाहे का इधर उधर भागकर ढूंढने लगा और बड़ी मुसीबत में फंस गया। परंतु चरवाहा उसकी चिंता करते हुए उसे ढूंढते हुए मुसीबत में पाया। वह उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा और उसकी प्राणों की रक्षा की और अपने साथ उसे 99 भेड़ों में मिला लेता है। परमेश्वर आप हर एक से प्यार करता है। जैसा वह चरवाहा एक भेड़ को ढूंढ रहा था, यहाँ वह एक भेड़ आप हो और यीशु आपको प्यार करता है और आपको नाम लेकर बुलाता है। तो इस समय आप सभी को वचन दिया जाता है जिसे आपको याद करना है, भजन संहिता 23:1। उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आइए हम इसी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हर एक लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान ज्योति परमेश्वर प्रेमी प्रभु, फिर से एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय प्यार प्रभु, हर एक बच्चों पर तू आशीष दे और हर एक के जीवन के साथ हो। तू हर एक से प्रेम करता है, इसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चों को प्रभु, एक अच्छा आज्ञाकारी बना प्रभु, ताकि तेरे पीछे चलने पाए और तुझको प्रसन्न करने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुर अध्याय से ग्रहण करें, आमीन।